नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह का प्रकरण तो आपको याद होगा ही। जी हां, याद होना भी लाजमी है क्योंकि इसे लेकर काफ़ी कुछ हुआ आरजेडी के अंदर तलवारें खींच गई। यहां तक कि भाई भाई के बीच भी लड़ाई लग गई। जी हां, बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच की जो लड़ाई लग गई थी। दरअसल जगदानंद सिंह का अपमान कर दिया था तेज प्रताप यादव ने। लालू यादव के बड़े लाल ने जगदानंद सिंह को हिटलर बता दिया था और कहा था कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं होती, करते हुए जगदानंद सिंह को चुनौती दे दी थी। जगदानंद सिंह का अपमान तेज प्रताप यादव ने कोई पहली बार नहीं किया था। इसके पहले भी वो खड़े खड़े कई बार मंच से जगदानंद सिंह, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका अपमान कर चुके हैं। और इस अपमान के बाद तो जगदानंद सिंह इतने ज़्यादा नाराज थे कि वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे। सुलह सपाटा हुआ काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग एक सप्ताह का भी समय लग गया, लेकिन जगदानंद सिंह पार्टी में आ गए, पार्टी कार्यालय वापस आ गए। लेकिन जिस तरह से लड़ाई ठन गई दोनों के बीच में, उसके बाद तो मामला और भी ज़्यादा बिगड़ गया। जगदानंद सिंह ने वापस कमान संभालते ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, दरअसल प्रदेश कार्यालय में पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि जो तेज प्रताप यादव के परम सहयोगी थे आकाश यादव, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आकाश यादव ने अब तो दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर ली, LJP के वो छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए पारस गुट के। तो ये जो तमाम प्रकरण पिछले दिनों सामने आया था और तेज प्रताप यादव का भारी गुस्सा देखने को मिला था, इस दौरान तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को फिर से रगड़ दिया था और बहुत सारी बातें कह डाली थी। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी उनके निशाने पर आ गए थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी, यानी भाई भाई की लड़ाई भी सामने आ गई थी। इस दौरान जगदानंद सिंह ने जो अपमान किया था, जगदानंद सिंह का अपमान किया था जो तेज प्रताप यादव ने, उसके लिए उन्हें नसीहत मिलने लगी थी। तेजस्वी यादव ने भी उन्हें नसीहत दी थी और तमाम जो बहनें हैं वो भी सोशल मीडिया के जरिए इशारों में तेज प्रताप को नसीहत दे रही थी। लालू यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं तेज प्रताप यादव और तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने भी नसीहत दी है, बुजुर्गों का सम्मान करने की जो बात बताई है। तो अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो तेज प्रताप यादव को आईना दिखाते हुए दिख रही है। जी हाँ, इशारा है किस तरफ है आप समझेंगे, तो आपको पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद क्या कुछ लिखा है ये भी बताएंगे और किसने लिखा है ये तो आप देख कर समझ ही जाएंगे। तो आप पहले तस्वीरें देखिए, बुजुर्ग के साथ कौन नजर आ रहा है आप देख लिया होगा आपने, तेजस्वी यादव। जी हाँ, तेजस्वी यादव बुजुर्गों के साथ नजर आ रहे हैं, बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये एक पोस्ट किया है तेजस्वी यादव ने जिसमें उन्होंने लिखा है, संसार का सबसे गुणकारी सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है, चंद लम्हों के बदले वो आपको वर्षों का तजुर्बा दे देते हैं। ये बातें जो लिखी हैं काफ़ी अनमोल बात है और किस तरफ इशारा कर रही है आप समझ गए होंगे। हमने तेज प्रताप यादव प्रकरण किस लिए बताया ये आप समझ गए होंगे। दरअसल तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों ये कहा भी था कि हमारे माता पिता ने दूसरों का सम्मान करने सिखाया है। इस तरह से कहकर उन्होंने तेज प्रताप यादव को सीधे सीधे नसीहत दे दी थी कि वो बड़ों का सम्मान करना सीखे और इस तरह के अपमान से और इस तरह से सियासत नहीं चलेगी। तो तेजस्वी यादव ने दिल्ली जाते जाते ये नसीहत दी थी और अब तेजस्वी यादव ने ये तस्वीरें शेयर करके सीधे सीधे अपने बड़े भैया तेज प्रताप यादव को आईना दिखा दिया है। और जो बातें वो लिख रहे हैं कहीं ना कहीं तेज प्रताप की ओर ही इशारा किया गया है। और तेज प्रताप यादव जिस तरह से पार्टी में लगातार उन्होंने बुजुर्ग नेताओं का, सीनियर नेताओं का अपमान किया, इसलिए वो बार बार निशाने पर आते रहे हैं। आपको याद होगा पिछला प्रकरण भी याद दिलाए, जिस तरह से उन्होंने एक लोटा पानी कह दिया था रघुवंश प्रसाद सिंह को। रघुवंश प्रसाद सिंह आखिरी दौर में थे, उनकी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी, अस्पताल में भर्ती थे। उस दौरान उन्होंने लालू यादव को इस्तीफा भेज दिया था कि वो पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, अपमान बहुत ज़्यादा हो गया। इस तरह से कहकर जब उन्होंने इस्तीफा भेजा था तो तेज प्रताप यादव ने कह दिया था कि RJD समंदर है और समुंदर से एक लोटा पानी निकाल लेने से कि कोई फर्क नहीं पड़ता है समुंदर में। तो उन्होंने RJD को समुंदर बताया और एक लोटा पानी से तुलना कर दी रघुवंश प्रसाद सिंह की और कह दिया कि एक लोटा पानी अगर निकल भी जाएगा तो पार्टी समुंदर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से अपमान किया था तो उस वक्त भी काफ़ी चिंगारी उठी थी।
लगातार जिस तरह से तेज प्रताप यादव के निशाने पर पार्टी के बुजुर्ग नेता सीनियर लीडर आते रहे हैं, और जगदानंद सिंह का तो बार बार उन्होंने अपमान किया है और बार बार उन्हें नसीहत भी दी गई है। खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बार बार समझाया है, लेकिन शायद तेज प्रताप यादव लगातार मोर्चा लेते रहे, सामने आकर वो कुछ ना कुछ बोलते रहे और जगदानंद सिंह की तो उन्होंने बार बार फजीहत कराई है। इस बीच एक और नेता को उन्होंने निशाने पर लिया था, शिवानंद तिवारी को। जी हाँ, तो शिवानंद तिवारी को भी उन्होंने कह दिया था। दरअसल शिवानंद तिवारी जगदानंद सिंह के बचाव में खड़े हुए थे, तो उन्होंने कह दिया कि शिवानंद तिवारी को कौन नहीं जानता है, पिताजी को तो उन्होंने ही जेल भिजवाया था। ये तो सब जानते हैं कि शिवानंद तिवारी ने ही चारा घोटाले की फाइलें खुलवाई थी। तो खैर, तेज प्रताप यादव ने कोई बड़ी बात नहीं कही, और लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि वो हमेशा पार्टी को तोड़ने में लगे रहते हैं। तो इस तरह की बात करके उन्होंने शिवानंद तिवारी का भी अपमान कर दिया था। तो अब तेज प्रताप यादव को उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने आईना दिखाया है तस्वीरों के जरिए। तस्वीरों को फिर से आप देखिए और फिर से उन्होंने क्या कुछ लिखा है, ये हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है, संसार का सबसे गुणकारी सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले वो आपको वर्षों का तजुर्बा दे देते हैं। बड़ी बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बता रहे हैं कि बुजुर्गों का सानिध्य जरूरी है। बुजुर्गों के सानिध्य में अगर आप थोड़ी देर ही बैठेंगे तो आपको वर्षों का जो तजुर्बा है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। और तस्वीरों में तेजस्वी यादव चरण स्पर्श करते नजर आ रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। तो बड़े भैया के लिए सीख दे दी है छोटे भैया तेजस्वी यादव ने। अब देखना ये होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव पटना वापस लौट भी आए हैं, पापा से उन्होंने मुलाकात कर भी ली है, तो अब छोटे भाई की इस नसीहत पर कितना अमल करते हैं और आरजेडी की जो अंदरूनी सियासत जो पिछले दिनों गड्ढमड हो गई थी, काफ़ी कुछ हो रहा था आरजेडी के अंदर तेज प्रताप यादव की वजह से, अब वो शायद पटरी पर आ सकेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार इशारा करके बड़े भैया को बता दिया है कि बुजुर्गों का सम्मान करना जरूरी है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।